आप सैर कर रहे हैं, सैर भी कीजिए और खबरों से अपडेट भी रहिए। द सूत्र आपके लिए लाया है सुबह का पॉडकास्ट, सैर भी खबर भी। नमस्कार, मैं हूं राहुल गढ़वाल। मध्य प्रदेश में जल्द ही मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में होगी। इसका शुभारंभ देश के गृह मंत्री अमित शाह 16 अक्टूबर को करेंगे। गुरुवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आयोजन की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। सीएम शिवराज ने कहा कि यह इस बात का प्रतीक है कि विशेषज्ञता के विषयों की पढ़ाई केवल अंग्रेजी में ही नहीं बल्कि हिंदी में भी की जा सकती है। प्रदेश में मेडिकल के साथ ही इंजीनियरिंग, नर्सिंग और पैरामेडिकल की पढ़ाई अब हिंदी में शुरू की जाएगी। बैठक में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश बीजेपी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग आज से मांडू में शुरू हो रहा है। प्रशिक्षण वर्ग का शुभारंभ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा करेंगे। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश संगठन मंत्री हितानंद भी मौजूद रहेंगे। अगले 3 दिन तक प्रशिक्षण वर्ग में अलग अलग विषयों पर पार्टी नेता मार्गदर्शन करेंगे। हालांकि माना यह जा रहा है कि इस प्रशिक्षण वर्ग के जरिए बीजेपी आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी की रणनीति तय की जाएगी। राजधानी भोपाल में अपनी मांगों को लेकर कर्मचारी आज सरकार के खिलाफ हुंकार भरेंगे। इसको लेकर तमाम विभागों के कर्मचारी लंच ब्रेक में सतपुड़ा भवन के बाहर इकट्ठा होंगे। कर्मचारी संघ अपनी विभिन्न मांगों को लेकर संघर्ष कर रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि दीपावली से पहले कर्मचारियों को 4% महंगाई भत्ता और पेंशनरों के लिए 10% महंगाई राहत का आदेश सरकार से जारी करने की मांग की गई है। दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने 28 करोड़ रुपए की 7 घड़ी बरामद की है। इनमें से 1 घड़ी जैकब एंड कंपनी की है। इस घड़ी में हीरे जड़े हैं। इसकी कीमत 27 करोड़ रुपए है। इसके साथ ही कस्टम विभाग ने एक ब्रेसलेट और आईफोन भी जब्त किया है। जानकारी के अनुसार यात्री इस सामान की डिलीवरी करने दुबई से दिल्ली पहुंचा था। यात्री के पास से इन घड़ियों से संबंधित कोई कागज नहीं मिले। इसके बाद कस्टम विभाग ने यात्री को गिरफ्तार कर लिया। आकाश मिश्रा की रिपोर्ट।